हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। टाइटल पढ़ती हूँ। टाइटल है, क्या भगवान खुदा है तो कहाँ है? डज गॉड एग्जिस्ट? इफ यस, वेयर? बाप रे, चलो देखते हैं आंसर्स ये दे पाते हैं कि नहीं, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल मिस्ट्री है। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एक बंदे ने मेरे से सवाल किया कमेंट में लिख करके कि क्या भगवान है या नहीं है, और है तो कहां है। तो आपके रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाने की कमिटमेंट को पूरा करते हुए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, मैं दावा कर सकता हूँ कि आज के वीडियो में जो भी बातें होंगी वो कहीं ना कहीं आपको ये सोचने में मजबूर जरूर कर देगा कि भगवान है कि नहीं। तो अगर आपको सच में इस सवाल का जवाब चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखे। तो मैं बात शुरू करूंगा ब्रह्मांड से, इंसान के आकार से, इंसान की औकात से। इंसान कहाँ है, उसके औकात क्या है, उसकी हैसियत क्या है, उसका वजूद क्या है, कुछ भी नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात शुरू करते हैं हमारे धरती के चांद से। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जिस तस्वीर को अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो है हमारा चांद, यानी कि हमारा मून, जो कि हमारी धरती से 4 गुना छोटा है। और इतना ही नहीं, वो सेरेस और प्लूटो नाम के ग्रह से भी बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी हमारे मून से बहुत बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं ग्रैनीमेट की, जो कि एक और ग्रह है, वो मर्करी से बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं मार्स की, यानी कि मंगल की, जो कि ग्रैनीमेट से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं वेनस की, जो कि मार्स से बहुत ज्यादा बड़ा है। और फिर बात करते हैं हमारी पृथ्वी, हमारी धरती की, जो कि वेनस से बड़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं तो केपलर, ये ग्रह है जो कि हमारी पृथ्वी से कई गुना ज्यादा बड़ा है। इसके बाद बात करते हैं नेपच्यून की, जो कि केपलर से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं यूरेनस का, जो कि नेपच्यून से बड़ा है। उसके बाद सैटर्न, जो कि यूरेनस से भी बड़ा है। और फिर बात करते हैं एक और सितारे की, जो कि हमारे सैटर्न से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं जुपिटर की, जो कि उस सितारे से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं एक और ग्रह की, जिसका नाम है HD 100546, जो कि बाकी ग्रह से बड़ा है। और फिर हमारा सूरज, जो कि इन सारे ग्रहों से सबसे बड़ा है। फिर बात करते हैं साइरस की, जो कि हमारे सूरज से भी बड़ा है। फिर बात करते हैं पोलस की, जो कि साइरस से भी बड़ा है। पोलस के बाद आता है आर्क्टुरस, जो कि पोलस से भी बड़ा है। उससे भी बड़ा सितारा है एल्डेबरन। और फिर उसके बाद उससे भी बड़ा सितारा है रीजल, जिसे ब्लू सुपर जायंट भी कहते हैं। उससे भी बड़ा है पिस्टल स्टार। और उससे भी बड़ा है एल्टेरेस, जो कि एक सितारा है। उससे भी बड़ा है बेटलग्यूस। और हमको इसे और फिर भी चल उससे भी बड़ा है कैनिस मेजोरिस। और उससे भी बड़ा है यूवाई स्कूटी। ये सारे सितारे हमारे ग्रह से काफी बड़े हैं। अमेजिंग। क्या है ब्रह्मांड, कितना बड़ा है ब्रह्मांड, जरा देखिए आप इसे। 100 लाइट डेज कुछ भी नहीं है, तो बहुत, तो शायद आपको हकीकत का पता चलेगा कि हम लोग क्या है, इंसान क्या है। डॉट ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, लाखों करोड़ों सितारे हैं, खरबों सितारे हैं, ये हमारा गैलेक्सी है। यहां पर लाखों करोड़ों सितारे एक साथ इकट्ठा है और ये खरबों सितारे मिलकर के बनाते हैं एक गैलेक्सी, जो कि है हमारा आकाशगंगा, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। ये है हमारा आकाशगंगा, जिसका सीमा अपार है, जो कि बहुत बड़ा है, जिसमें लाखों करोड़ों अरबों सितारे हैं।
ये है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। अभी तो ये बच्चा है। जरा सोचो इसकी आकार के बारे में सोचो। शिव जी की आई मिल्की वे गैलेक्सी के अलग अपोजिट में एक और गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, और ना जाने उन जैसे कितने करेक्ट गैलेक्सीज आकाश गंगा हमारे चारों ओर है, ना जाने कितने उस करोड़ों की संख्या में है। उन सारों को मिला करके जो बनता है वो है हमारा ब्रह्मांड। उन सभी गैलेक्सीज, उन सभी मंडलों को मिला करके जो बनता है वो है हमारा ब्रह्मांड। ये है हमारा ब्रह्मांड जिसमें लाखों करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं। ये है हमारा ब्रह्मांड। ये है हमारा यूनिवर्स। बाप रे। और इतना ही नहीं, आप इस वक्त जो अपने स्क्रीन में देख रहे हो ये है हमारा यूनिवर्स। एक बॉल, बॉल नहीं है। और इतना ही नहीं, ना जाने अपने यूनिवर्स की तरह ना जाने और कितने हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में यूनिवर्स है, पता नहीं चला अभी, जो कि आपस में एक साथ है। यूनिवर्स और ये करोड़ों की संख्या में यूनिवर्स नहीं, अभी मिलके बनाते हैं मल्टीवर्स। बट अभी कोई नहीं है। और क्या पता इन सारे मल्टीवर्स के ऊपर भी एक सुपर वर्स हो जिसमें हजारों मल्टीवर्स हो, करोड़ों मल्टीवर्स हो। ये है हमारा ब्रह्मांड। अगर यहां से माइक्रोस्कोप लगा करके भी देखा जाए तो तुम नहीं दिखने वाले, कोई नहीं दिखने वाला। इन सारी बातों के अलावा अगर मैं बात करूं तो क्या कभी सोचा है कि ये कैसे आया होगा, कहां से आया होगा, ये ब्रह्मांड बना तो बना कैसे? इतना बड़ा स्पेस, इतना बड़ा जगह, कैसे चल रहा है ये? चलो ब्रह्मांड को छोड़ो, धरती पे ही आते हैं। पिरामिड का नाम सबने सुना है, सुना ही होगा। कभी गौर किया है इतना ऊंचा पिरामिड बना तो बना कैसे? कैसे एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर को रखा गया होगा इस पिरामिड को बनाने के लिए, जहां पर एक पत्थर का वजन 5 टन है। हाथी भी 5 टन के पत्थर को खींच सकता है, लेकिन लेकिन इतनी ऊंचाई तक इसे कैसे रखा गया होगा? वापस आओ, एक बार फिर से बात करते हैं। क्या तुमने स्टोनहेंज का नाम सुना है? जो आप तस्वीरों में देख रहे हो यह है स्टोनहेंज। कभी सोचा है क्या इस तरह के लंबे लंबे पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा कैसे गया होगा? किसने रखा होगा ये? क्यों रखा? क्या है ये? कभी सोचा है क्या? आपको पता है मंगल ग्रह में इतना रिसर्च क्यों हो रहा है? क्या आप जानते हो क्या वजह है इस बात के पीछे कि लोग मंगल में यान भेज रहे हैं, लोग वहां पानी की खोज कर रहे हैं? क्या वजह है? हम सभी ने एक थ्योरी बचपन में पढ़ी थी कि इंसान बंदर में से आया है, बंदर से इवॉल्व हुआ है। कुछ वक्त पहले कुछ साइंटिस्ट ने एक सवाल उठाया कि जब इंसान बंदर से इवॉल्व हुआ है तो सारे बंदर इंसान क्यों नहीं बन गए? तब ये जो थ्योरी था चार्ल्स डार्विन थ्योरी, जिसमें यह बताया गया था कि इंसान बंदर से आया है, ये थ्योरी को खारिज कर दिया गया। आइंस्टाइन के एक थ्योरी के हिसाब से अगर इस पृथ्वी में से मधुमक्खी की नस्ल खत्म हो जाए तो उसके कुछ सालों बाद इंसान भी नहीं रहेगा और ना जाने कितने प्रजाति खत्म हो जाएंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि धरती से अगर इंसान ही खत्म हो जाए तो क्या होगा? चारों ओर हरियाली होगी, कोई गंदगी नहीं होगी, कोई पेड़ नहीं काटेगा, कोई प्रदूषण नहीं होगा। साइंटिस्टों का यह मानना है कि इंसान इस धरती का है ही नहीं, इसी के लिए लोग मार्स पर रिसर्च कर रहे हैं। उनका यह मानना है कि जब मार्स में प्रलय आया तो इंसान वहां से निकलकर धरती पे आ गया और यहां बस गया। क्यों हर एक जानवर के इतने सारे प्रजाति होते हैं, इंसान का कोई प्रजाति क्यों नहीं है? क्यों सांप के 1000 से ज्यादा प्रजाति है? क्यों बंदर के इतने सारे प्रजाति है? क्यों कुत्तों के इतने सारे प्रजाति है लेकिन इंसान सिर्फ एक है? क्यों? क्या आपने ये कभी सोचा है? मानो या ना मानो, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें ये सोचने को मजबूर करती है कि भगवान है कि नहीं है। इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है, जिसके पास जवाब है वो इस दुनिया में नहीं है। ये तथ्य वैसा ही है जैसे किसी ने भूत को देखा है, जिसका भूत से सामना सामना हो जाता है वो दुनिया में रहता ही नहीं है, और जो रहता है उसकी बातों पर लोग यकीन नहीं करते। क्या एलियन है कि नहीं है? जिसने देखा है शायद वो इस दुनिया में है नहीं, और जो इस दुनिया में है लोग इनकी बातों में यकीन नहीं करते। इस दुनिया में ना जाने कितने लोग इस हकीकत से अनजान हैं
कि कौन है भगवान। कुछ लोग कहते हैं कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें धर्म की रक्षा करनी है, अपने भगवान की रक्षा करनी है। तुम उसकी रक्षा करोगे जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया। उस ब्रह्मांड में तुम एग्जिस्ट भी नहीं करते, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी कोई वजूद नहीं है। तुम्हारा जन्म कब हुआ तुम्हें पता नहीं, इंसान कब इस धरती पे आया तुम्हें नहीं पता, तुम फिर भी किस भगवान के लिए लड़ रहे हो? और उसमें आपस में ही लड़े जा रहे हैं, एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। न जाने कितनों ने कितनों को भगवान के नाम पे खत्म कर दिया, मार दिया। कितने सारे लोग बलि चढ़े हैं, किस भगवान के वास्ते, किस भगवान के खातिर? अरे कभी मुड़ के देखो, क्या है भगवान, कौन है भगवान, कभी सोचना जरूर, मौका मिले तो, कौन है भगवान। ये दुनिया इतनी ही इसी तरीके की विचित्र बातों से भरी पड़ी है। मुझे नहीं पता कि भगवान है कि नहीं, लेकिन कुछ तो है, कुछ ऐसी चीजें जरूर है कि इंसान अगर मर जाता है ऐसा क्या होता है, उसके शरीर से क्या निकल जाता है कि इंसान की मौत हो जाती है, उसका शरीर काम करना बंद कर देता है, ऐसा क्या है, क्या आपने कभी सोचा है? मौका मिले तो सोचना जरूर। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका रहस्य अब तक ना खुल पाया, और मेरे ख्याल से ये उम्र कम है हमारे लिए कि इसका रहस्य खुलेगा। तो काफी अच्छा वीडियो था, और ऐसे काफी वीडियोस बने हुए हैं जिसमें आपको साइज के बारे में बताते हैं, क्योंकि इनका मेन जो है कि डज गॉड एग्जिस्ट, उसका एग्जाम्पल दिया साइज का, कि आप बहुत छोटे हैं, एक प्लैनेट अर्थ पे हैं, आपका सोलर सिस्टम है, आपका गैलेक्सी है, उसके बाद आगे जाके दिखाते हैं, इवेंचुअली आपके यूनिवर्स तक जाते हैं, और फिर कहते हैं कि और भी यूनिवर्सेस हो सकते हैं। अभी इसका प्रूव नहीं हुआ कि और यूनिवर्सेस है या नहीं, अभी तक इतना है कि शायद ऑल्टरनेट यूनिवर्स है, बस इतना ही है। तो वो दिखा रहे हैं साइज कि इतनी बड़ा यूनिवर्स है और आप इतने चींटी से भी छोटे हैं, तो क्या भगवान एग्जिस्ट करता है? तो उन्होंने आंसर तो नहीं दिया, बट द पॉइंट इज साइंस कहती है कि बिग बैंग हुआ था, वो साइंस का अपना है, बिग बैंग हुआ था। परंतु इन चीज़ों का आंसर जो है आपको बिग बैंग से नहीं मिल सकता। बिग बैंग क्यों हुआ मुझे पता नहीं, क्योंकि बिग बैंग की थ्योरी यही है कि इवेंचुअली एक झटके में ही ऐसे फटा और पूरा यूनिवर्स बन गया, तो वो जो है ठीक है। मतलब बिग बैंग की थ्योरी मेरे को लगता है कभी ना कभी ब्रेक होगी और फिर कोई नई आएगी, आज के ज़माने में साइंस में सिर्फ बिग बैंग ही है। मगर रिलीजन जो है, रिलीजन वो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है जो रेलेवेंट है आपके लिए वो ज़्यादा, क्योंकि जब आप वैदिक टेस्ट देखते हैं, टेक्स्ट वैदिक देखते हैं, वेदास देखते हैं, और जितने भी ऋषि मुनि थे उन्होंने मेडिटेशन की है, मेडिटेशन के बाद उनको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ उन्होंने उसमें लिखा है और हम पढ़ते हैं, तो उसमें जो है उसमें आपको दिखाते हैं कि भगवान क्या है। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो आपको पता ही है कि भगवान क्या है, तो यही है कि जिसके ऊपर कोई नहीं वो भगवान है, उसने सब चीज़ों को बनाया उसके ऊपर कोई नहीं है, तो वो भगवान एंटिटी है जिसने सब कुछ बनाया है। और कहते हैं कि भगवान जो है आपके अंदर जो है भगवान का ही मटेरियल है, मगर क्वांटिटी कम है। जैसे पानी आप कह लीजिए कि मतलब कोई मतलब आप एक ड्रॉप है और भगवान जो है पूरा ओशन है, मगर मटेरियल वही है, तो आप में थोड़ा सा मटेरियल है और भगवान है बहुत ग्रेट है। और अगर आप मेडिटेट करें तो आपको कनेक्शन आप कर सकते हैं भगवान के साथ, मगर कुछ विद्याएं जैसे मैं कह रहा हूँ लॉस्ट हो चुकी हैं, क्योंकि अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि साधु महाराज जो हैं तपस्या कर रहे हैं दिनों तक, एक एक सालों तक तपस्या कर रहे हैं बिना मरे, वो आजकल होता नहीं है। तो कहीं ये विद्या जो है रह गई है और वो पता नहीं चल रहा कि क्यों रुक गई, क्योंकि साधु महाराज जब पहले ऐसा कई आपने सुने होंगे कि पेड़ के साथ बैठे तो पूरे उनके ऊपर पूरी मतलब प्लांट ही आ गया, इतनी विद्या उन्होंने मतलब इतनी तपस्या उन्होंने की है, तो वो भगवान ने फिर उनको वरदान दिए, वो सब चीज़ें खत्म हो चुकी होंगी, कहीं नॉलेज का लॉस हो चुका है। मगर जो मेडिटेट करता है, बहुत लोगों को मेडिटेशन में कुछ चीज़ें नज़र आती हैं जिनका कोई आंसर नहीं है, आपको क्यों नज़र आती है? लोग कहते हैं, साइंस कहती है कि ब्रेन प्रोड्यूस करता है, मगर ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही यूनिक तरीके की आती है। कईयों को जो भी ब्लू लाइट है, रेड लाइट, तो आप मतलब बहुत ही उसके ऊपर है कि मेडिटेशन में। और दूसरा जो कोइंसिडेंस है, वो कोइंसिडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे लगता है कि वाकई ही भगवान है। मतलब कोइंसिडेंस जो आता है, जैसे हमारे यहाँ पे हम एक बड़े से बेड को हम दे रहे थे और हमने कहा था भाई साहब जो भी आएगा वो निकालने के लिए आप जो है मेक श्योर करिए आप टूल लेके आइए, वो भाई साहब आ तो गए लेने के लिए, उनके पास टूल ही नहीं है। फिर वो कहते हैं अच्छा मैं अपने ट्रंक में देख के जाता हूँ, और ट्रंक में देख के गए तो कहते हैं बस यही पड़ा था छोटा सा। मैंने कहा अच्छा देखते हैं, तो वो छोटा जब लगाया वो लग रहा था,
अबे कैसे हो सकता है, मुझे दिखाया भी था जाते हुए ना, मैंने कहा मिला कुछ तो वो दिखा रहा था, वो भी हैरान हो गॉड, मैंने कहा ये क्या चुटकुसी लेके जा रहे इतने बड़े बेड के। और वो बंदा जो है वो भी हैरान हो रहा था कि इट इज अमेजिंग कि ये इसमें चल रहा है, क्या चांस ऐसा हो सकता है कि वो एक ही लेके आया। वो कहता कि वो भी मैं इसलिए लेके आया, मैं अपने काम पे था और वो फ्री उसमें आया था चीज में, तो चीज तो उस बंदे ने ले ली, मगर वर्कर टाइप का था कि उसने चीज तो ले ली और ये छोटा सा रह गया तो मैंने रख लिया। मैंने कहा और ये जो छोटी चीज है वो यहाँ पे बेड उससे खुल रहा है, कमाल है, मुझे नहीं पता था उसी से खुला है, मुझे लगा था हम हमारे से कुछ नहीं, हमारे पास भी थी वो भी मगर मगर अगर जो सिर्फ हमारे पास थी उससे पूरा नहीं खुल सकता था। उसकी चीज से भी, तो पॉइंट यही था कि ऐसा कैसे हो सकता है यार कि आप मतलब समहाउ एक ही चीज थी वही लग रही है। और ऐसा नहीं है कि कोई सारे हमारे बेड को स्टैंडर्ड है जी, हर एक चीज स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें दो 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 चीजें लगी थी, एक बाई चांस हमारे पास डब्बे में पड़ा हुआ था वो लग गया, वो लग गया, तो मुझे लगा ये कॉन्शियसनेस कैसे हो रहा है। तो यस फ्रेंड्स, काफी अच्छा वीडियो था जिसमें उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप कैसे बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबको क्रिएट करने के लिए कोई तो एक क्रिएटर होगा जिसने ये सब बनाया है, तो क्वेश्चन तो वही है, और वो कहाँ है कि नहीं है उन्होंने भी आंसर किया नहीं, क्योंकि इसका आंसर मिलना ही बहुत मुश्किल है। ये तो हर इंडिविजुअल के ऊपर है कि आप क्या सोचते हो, आपका क्या बिलीफ है। तो हमारे मेरे लिए तो भाई है, कोई ना कोई है, हर चीज़ को बनाने के लिए कोई क्रिएटर होता है। हमने जैसे मशीन बनाते हैं तो वो हमने क्रिएट की है, वैसे हमें भी किसी ने क्रिएट किया होगा, अपने आप तो कुछ बन नहीं सकता, ये मेरा जो है बिलीफ है। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा वीडियो था, तो होप करते हैं आपने भी इंजॉय किया होगा हमारे साथ देखने में। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।